गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिन की शुरुआत सोहेल सर के साथ में आपका स्वागत है। 9 AM क्वेश्चन, 5 PM आंसर। लेकिन आज है संडे, तो आज ना मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ ना आंसर देने वाला हूँ। आज जस्ट आपके साथ गो थ्रू करने वाला हूँ कि किस तरह से मैं संडे को यूटिलाइज़ करता हूँ, संडे मेरा कैसा जाता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। देखो, अभी करेंट जो मेरा ट्रेंड चल रहा है पिछले 15 से 20 दिन में, जो मैं अपने आप को चेंज किया हूँ वो ये किया हूँ कि मैं सुबह उठ जाता हूँ लगभग 4 बजे के आसपास। 4 बजे मेरा रूटीन में उठना हो गया है और आँख खुल जाता है विदाउट एनी अलार्म, आराम से मैं उठ जाता हूँ। उठ के आराम से थोड़ा बहुत गर्म पानी पिया, उसके बाद बैठता हूँ डेस्क पे, प्लान करता हूँ कि आज करना क्या है। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन सेट करना कि हाँ भाई क्वेश्चन क्या है, उसके बाद कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाने होते हैं तो उस पर बात करता हूँ, या फिर कोई लाइव सेशन अरेंजमेंट करना होता है तो उसके लिए लाइव सेशन के लिए प्रॉपर प्लान करता हूँ, शेड्यूल करता हूँ थंबनेल वगैरह बना के। तो ये मेरा मॉर्निंग का 1 घंटा में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ छत पर और छत पर आके आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। 9 AM क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो मैं शूट करता हूँ। आई थिंक आवाज़ आ रहा होगा कि कहीं गाना चल रहा है। तो यहाँ मुझे सुबह सुबह है ना थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे छत पे अभी क्या है बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बिहार में, तो यू कैन सी दिस, बाहर का हाल देखो, मतलब मैं जा नहीं सकता हूँ, कुछ लाने ये हाल हो गया है। तो ये है बिहार और बिहार में इसकी आदत हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप बिहार में हो तो आप आइडिया होगा, ये नॉर्मल है, इधर के लोग एडजस्ट कर चुके हैं। हम लोग को थोड़ा सा अलग लगता है क्योंकि बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा अलग फील होता है, लेकिन यहाँ के लोग को आदत हो गया। एनीवे, तो आपके लिए सेट करता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा प्लान क्या होना चाहिए। लाइक अगर संडे की बात करें तो मैं यहाँ पे इस जगह पे अभी तो पानी लगा हुआ है, इस जगह मैं बैठ जाता हूँ आराम से बैठ के इस व्यू को देखता हूँ प्रॉपर, है ना, प्रॉपर देखता हूँ कि क्या है। कुछ खास व्यू नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पहाड़ है, झरना गिर रहा है, वैसा कुछ नहीं है, बहुत कचरा वचरा है। लेकिन सुबह सुबह क्या है थोड़ा वो चिड़िया की चरचहाट और ये सब आवाज़ आती है तो एक माइंड जो है ना बहुत रिलैक्स हो जाता है, जस्ट लाइक मेडिटेशन। और ये करने के बाद फिर मैं नीचे जाता हूँ नहा धोवा के, फिर मैं डेस्क पे बैठ जाता हूँ और ऑलमोस्ट 9 से 10 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास मैं अपना टास्क को कंप्लीट कर लेता हूँ, जो भी टास्क है आज दिन भर का टास्क मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। फिर मैं नाश्ता वास्ता करके रिलैक्स होता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है फेसबुक पे, कहीं पे डाउट है क्या, कहीं जितने भी सोशल मीडिया पे हम लोग हैं जहाँ भी जैनिक एजुकेशन है वो सबको देखता हूँ, कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो बस रिलैक्स करता हूँ। तो यही लाइफ में चल रहा है, कुछ खास एफर्ट नहीं है। और ऐसा नहीं है कि दिन भर एकदम पागल जैसा मेहनत कर रहे हैं या रात भर मेहनत कर रहे हैं, वैसा अभी कुछ प्लान नहीं है। वैसा भी प्लान आता है तो उस तरह से भी प्लान करके अपने को काम करना होता है। राइट नाउ यही मेरा चल रहा है। तो आज संडे है, आज संडे को कुछ खास मेरा प्लान नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा दिखा दिया अजीब सा पानी वानी लगा हुआ है, तो बाहर निकलने से तो ऑलमोस्ट 10 दिन से मैं बाहर नहीं निकला हूँ क्योंकि पानी पूरा लगा हुआ है। न कार लेके निकल रहा हूँ, न कहीं इंजॉय कर रहा हूँ, कुछ नहीं, घर में बैठे हुए हैं, गाना सुनते हैं, थोड़ा इंटरटेन होते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, यही चलता है ना। तो बीइंग ए स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए, तो हमारी लाइफ है कि किस तरह से हम प्लान करते हैं अपने डे टू डे लाइफ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 10 बजे सुबह से पहले मेरा जितना टास्क है कंप्लीट हो जाए ताकि मैं दिन भर अपने आप को रिलैक्स रख पाऊँ और अपने फैमिली के साथ इंजॉय कर पाऊँ, ये हमारा प्लान होता है। लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाना होगा। ये आज आप देख रहे हो कि इतना ईजी मेरा लाइफ है, ईजी नहीं है लेकिन स्टिल अगर आपको लगता है कि हाँ ईजी लाइफ है तो ये आज है। 4 साल पहले ऐसा नहीं था, 7 साल पहले ऐसा नहीं था, दिन रात एक करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, तब जाके इस तरह से कुछ अचीव कर पाया हूँ। और अभी भी स्ट्रगलिंग चल रहा है, स्ट्रगल अभी आने वाला 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल रहने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रगलिंग लाइफ हमेशा रहता है, हाँ एफर्ट कम लग जाएगा लेकिन स्ट्रगल हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आप एज ए स्टूडेंट क्या कर सकते हो, जैसे संडे है तो आप क्या करो, आपने पिछले 6 दिन में जो काम किया है, जैसे 6 दिन में आपका काम किया होगा, पढ़ाई आपने किया होगा, आप जो भी पढ़े होगे, जो भी सब्जेक्ट आपका टारगेट होगा, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ रहे हो या न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो वो सारे सब्जेक्ट को आप गो थ्रू करो एक बार। सुबह उठो, सुबह ऑब्वियसली जिसको आदत होगा वो तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, सुबह का प्लान बहुत अच्छा होता है, दिमाग एकदम फ्री रहता है, बहुत अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हो और डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग सोए रहते हैं तो आप इजीली उसको मैनेज कर सकते हो। आप है ना, मतलब सुबह उठ के प्रॉपर आप एनालाइज करो कि लास्ट 6 डेज में आपने जो काम किया वो कितना अच्छा रहा, कितने घंटा पढ़े, मतलब अपने आप को टेस्ट करना है, कितना टेस्ट सीरीज दिए, इतना घंटा पढ़े, कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, कितने न्यूमेरिकल लगाए, वो आप एक एनालाइज करो, डेटा निकालो, तो आपको आइडिया होगा कि अच्छा आपने इस वीक है ना 40 घंटा पढ़ा जिसमें न्यूमेरिकल आपने 200 लगाए या फिर ऐसा हुआ, जो भी आप किए हो वो करो। और उसके बाद नेक्स्ट वीक का प्लान आज ही कर लो, आज रेस्ट भी लेना चाहते हो रेस्ट ले लो, लेकिन नेक्स्ट वीक का प्लान होना चाहिए कि अभी सपोज करो कि पिछले वीक हमने 40 घंटा पढ़ा है, ठीक है,
तो नेक्स्ट वीक प्लान करो कि मेक इट 45, मतलब हर दिन एक घंटा बढ़ाने की कोशिश करो, और जो मिस्टेक पिछले वीक किए हो उस मिस्टेक को इस वीक रिपीट ना करो, तभी जाके आप अपने आप से बेटर वर्जन हो पाओगे। बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट ऑफ अदर्स, है ना। जो बाकी लोग आपको बोलते हैं कि बाकी से आपको बेटर होना है, नहीं नहीं नहीं, अपने से बेटर हो। आज अब जो हो उससे नेक्स्ट वीक बेटर वर्जन में रहो, डेफिनेटली एक ना एक दिन बहुत अच्छे पोजिशन पर रहोगे। और ये जो जर्नी है ये छोटी जर्नी नहीं है, जैसे आपकी जर्नी है वो 20 साल 25 साल की है। तो आप इस तरह से अपने गोल को सेट करो कि आने वाला 20-25 ईयर्स बहुत ही अच्छा जाए, है ना। और उसके लिए हमेशा आपको वीकली अपने नए वर्जन में नए अच्छे तरीके से अपने आप में इंप्रूवमेंट, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना मैं परफेक्ट हूँ ना आप परफेक्ट हो, कोई दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हमें परफेक्ट बनना पड़ता है ना। तो परफेक्ट बनाने के लिए जो भी करना होगा, इस बार जो हम मिस्टेक किए, इस वीक जो मिस्टेक किए, आप मेक श्योर करो कि नेक्स्ट वीक वो रिपीट ना हो, और इस तरह से इम्प्रूव करते चलो, ठीक है। तो ये हमारे साइड से सजेशन रहेगा, संडे को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। संडे को आप अपने आप को जानो, क्योंकि मंडे टू सैटरडे आपके पास इतना एफर्ट लगता है, इतना टाइम रहता है कि आप खुद को जान ही नहीं पाते हो। तो अपने आप को जब जानोगे तो आने वाले टाइम में आप अच्छा करोगे, है ना। तो अपने आप को जानिए, अच्छा कीजिए लाइफ में, और नेक्स्ट वीक का प्लान आज ही रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि टाइम जो है वो रुकेगा नहीं, ना आपके लिए ना हमारे लिए। प्लानिंग कीजिए, प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए। सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से संडे बिताइए, अपने पापा मम्मी के साथ एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद फिर मंडे से अच्छे से काम कीजिए। ओके, सोरेन सर दिस साइड साइनिंग आउट।